हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गार्डन नॉलेज। हम दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वसंत ऋतु यानी स्प्रिंग सीजन चल रही है और बहुत जल्द गर्मी आ जाएगी। इस समय जो मौसम है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है और ठंड तो है ही नहीं। दिन में अच्छी खासी धूप हो रही है। ठंड के जो फ्लावर्स थे हमारे गार्डन में, वो खिलना बहुत कम हो गया है और जो फूल खिल भी रहे हैं उसका साइज छोटा हो चुका है। सीड पॉट्स तैयार हो रहा है प्लांट्स में, तो ये फ्रेंड्स परफेक्ट टाइम है, हमें ये सीड पॉट्स को सूखने देना है। दोस्तों, सूखे हुए जो फूल है उनको तोड़ना बंद करें, तभी सीड पॉट्स तैयार होगा और सीड पॉट्स के अंदर आपको ढेर सारे सीड्स मिलेंगे। तो कच्चे सीड पॉट्स को प्लांट से नहीं तोड़ना है, सीड पॉट्स को सूखने देना है। तो ये सारे चीज मैं आगे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स जो इस समय सीड पॉट्स तैयार करता है, और इन सीड पॉट्स को आपको अपने साथ रखना है आगे सीजन के लिए, ताकि आप मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं नेक्स्ट सीजन में, नेक्स्ट विंटर में। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स है जो बहुत आसानी से सीड पॉट्स तैयार करते हैं और इन सीड पॉट्स को हम लोग सेव करके अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। दोस्तों, पहला जो फूल आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है कैलेंडुला का प्लांट। ये देखिए, कैलेंडुला में कई रंग आजकल अवेलेबल है, ऑरेंज, येलो, वाइट, और ये सीड से काफी आसानी से ग्रो हो जाती है। तो इसके सीड पॉट्स जो है उसको बनने दे, जो सूखे फूल है उसको ना तोड़े, और जब सीड पॉट्स सूख जाती है तो ये देखिए इस तरह ये इसके सीड्स है, तो इसको आप फिर से सुखा के इसको बहुत अच्छे से सेव करके रख सकते हैं, ताकि अगले सीजन इन्हीं सीड से मुफ्त में प्लांट ग्रो कर पाए। फ्रेंड्स, अगला जो पौधा है, और ये देखिए, ये स्वीट सुल्तान के सीड्स मैं कलेक्ट कर रही हूँ, और ये देखिए इसके ये फूल है, ये कई रंगों में आते हैं, बेहद खूबसूरत सा फूल है। और ये देखिए, ये नीचे जो हिस्सा है इसके, इसी में सीड पॉट्स बनते हैं, और सीड्स ये देखिए काले काले रंग के, तो आप इन सीड्स को कलेक्ट करके इनको भी सेव करके रख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो पौधा है ये देखिए, ये है मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड में भी ये जो फ्रेंच मैरीगोल्ड है ये काफी आसानी से उग जाता है, और ये देखिए ये काले काले जो आपको दिख रहा है यही इसके सीड्स होता है। तो सूखे हुए फूलों को आपको फेंकना नहीं है, इसको आपको नेक्स्ट सीजन के लिए रख देना है। आप अभी भी इसको छिड़का सकते हैं और नए प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, गर्मी में भी ये बहुत अच्छे से चलती है फ्रेंड्स। दोस्तों, अगला जो प्लांट है, और ये देखिए ये पिटूनिया, पिटूनिया के सूखे हुए फूलों को इस समय ना तोड़े, उसको सूखने दे और सीड पॉट्स तैयार होने दे, और इन्हीं सीड पॉट्स के अंदर आपको ढेर सारे सीड्स मिल जाएंगे। पिटूनिया में भी देसी हाइब्रिड्स दो वैरायटीज आते हैं, और ये पहला वाला जो था वो हाइब्रिड वैरायटी है, और देसी वाले में भी बहुत ज्यादा सीड पॉट्स बनते हैं, और इन्हीं सीड पॉट्स को आपको रखना है, सूखने देना है और तोड़ के रखना है, और आगे सीजन आपको इसी को यूज करना है फ्रेंड्स। दोस्तों, अगला जो ठंड का फूल है ये है डैंथस, और ये गुच्छों में फ्लावरिंग करता है, और सीड पॉट्स बहुत आसानी से इसमें भी तैयार हो जाता है। इन्हीं सीड पॉट्स के अंदर सीड्स होता है, इनको आप सेव करके अगले सीजन के लिए रख सकते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, अगला जो खूबसूरत फूल है ये है हॉलीहॉक्स। हॉलीहॉक्स में भी आपको अनगिनत कलर्स मिलते हैं, सफेद, पिंक, लाल, और हर फूल के साथ एक सीड पॉट्स नीचे रहता है, और वो सूखने के बाद उसके अंदर आपको ढेरों सीड्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं एक फूल से कितने सारे आपको सीड्स मिल जाते हैं। तो इन्हीं सीड्स को आपको अगले सीजन के लिए, अगले विंटर के लिए आपको सेव करके रखना है। बहुत आसानी से ये प्लांट तैयार हो जाता है सीड से। आप जो न्यू बिगिनर्स जो होते हैं गार्डनिंग में, वो भी इन सीड से छोटे छोटे सैपलिंग्स तैयार कर सकते हैं। हार्डी प्लांट्स होता है, इजी टू केयर प्लांट्स होता है, बस आप जमीन में एक फूलों का बेड तैयार कर सकते हैं हॉलीहॉक्स के। तो ये स्प्रिंग तक यानी गर्मी के पहले पहले तक ये फ्लावरिंग करते जाती है। तो हॉलीहॉक्स के सीड्स को अगर आपको कहीं से जुगाड़ होता है या आपके घर में है, इनके सीड्स को जरूर जरूर सेव करके रखिए फ्रेंड्स। दोस्तों, अगला जो खूबसूरत फूल है ये है विंका। विंका में पर्टिकुलर जो हाइब्रिड वैरायटी है उसमें इस समय सीड्स तैयार होते हैं, और इन्हीं सीड्स को सूखने दीजिए और इसको सेव करके रखिए। अपने आप ये सीड्स जब गिरता है तो बहुत सारे जो छोटे छोटे सैपलिंग्स अपने आप उगते हैं, इनको भी आप उठा के अलग जगह लगा सकते हैं। गर्मी में भी ये चलता है, बस आपको थोड़ा सा ठंडक वाली जगह में इनको
प्लेस करना होता है, क्योंकि हाइब्रिड जो विंका है वो बहुत ज्यादा धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती है। तो विंका के सीड्स को भी आप इस समय सेव करके रख सकते हैं, अभी भी यूज कर सकते हैं और आगे विंटर में भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों डॉग फ्लावर बहुत कॉमन विंटर फ्लावरिंग प्लांट है और डॉग फ्लावर भी बहुत आसानी से सीड्स तैयार करता है और सीड पॉट्स के अंदर छोटे छोटे बहुत सारा सीड्स होता है, तो इन्हीं सीड्स को आपको अगले सीजन के लिए सेव करके रखना है फ्रेंड्स। दोस्तों अगला जो विंटर का प्लांट है ये है जेरेनियम। जेरेनियम में भी गुच्छों में फूल खिलता है और कई रंगों में जेरेनियम अवेलेबल है और सीड पॉट्स ये भी तैयार करता है, सीड्स बनते हैं। ये देखिए ये सीड्स होता है, लेकिन हर सीड्स जो आपका अच्छा सीड्स हो ऐसा नहीं है, बहुत कम ही अच्छा सीड्स तैयार होता है। आपको उसको चुन के आपको रखना है और अगले सीजन अगले विंटर के लिए आपको इसको सेव करके रखना है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स विंटर में सेल्विया एक बहुत सुंदर सा प्लांट है, हार्डी पौधा होता है और इसमें भी बहुत अच्छे से सीड पॉट्स तैयार होता है, तो इन्हीं सीड पॉट्स को आपको अगले विंटर के लिए सेव करके रखना है फ्रेंड्स। तो आप ये काम मार्च में जरूर जरूर कर लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट जो फूल है ये है कॉस्मोस। कॉस्मोस ये देखिए रंग बिरंगे इसमें कलर्स आते हैं और ये सर्दी में तो खिलता ही है, गर्मी में भी खिलता है। एक फूल से आपको कई सारे सीड्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए रंग बिरंगे कॉस्मोस के कितने सारे सीड्स हमें मिल गया है। इसको आप अभी भी छिड़का सकते हैं और आप इसको सेव करके भी रख सकते हैं कमिंग विंटर के लिए। तो इन्हीं सीड्स को आप सूखने दें, कच्चे सीड्स को नहीं तोड़े प्लांट से, सूखने के बाद ही इन सीड्स को आप तोड़ के रखिए और चाहे तो इन सीड्स को आप थोड़ा सा फंजीसाइड पाउडर मिलाते हुए इनमें हल्का छिड़काव करके थोड़ा सा जो एयर टाइट प्लास्टिक बैग्स होता है उसके अंदर भर के रखा कीजिए। दोस्तों डायंथस जैसा ही और एक फ्लावर ये देखिए ये है स्वीट विलियम। स्वीट विलियम में भी इस समय बहुत सारे सीड्स बनते हैं और छोटे छोटे काले काले चपटी चपटी सीड्स होते हैं। इन सीड्स को आप जरूर कलेक्ट करके रखिए और नेक्स्ट विंटर में इसको जरूर यूज करें। दोस्तों नैस्टर्शियम भी इस समय सीड पॉट्स तैयार करता है और ये देखिए ये इसके सीड पॉट्स है और इसके अंदर आपको सीड्स मिलते हैं, तो इनको आपको सूखने देना है, कच्चे सीड्स को नहीं तोड़िए और जो सूखे हुए फूल है उनको भी इस समय थोड़ा तोड़ना बंद करें अगर आपको सीड्स आप अगर सोच रहे हैं कि सीड्स को आपको रखना है। दोस्तों अगला जो खूबसूरत फूल है ये है स्पाइडर फ्लावर। स्पाइडर फ्लावर में भी इस समय बहुत सारे सीड्स तैयार होता है और इन्हीं सूखे सीड्स को आपको रखना है और आपको थोड़ा जल्दी इसको प्लांट से तोड़ लेना है, क्योंकि ये अपने आप ये फूट के सारे सीड्स बिखर जाती है। स्पाइडर फ्लावर्स ऐसे ही होते हैं इसके सीड्स, तो एकदम सीड स्पॉट्स टूटने के पहले इनको तोड़ के आप सुखा लीजिए और सीड्स को सेव करके रखिए। दोस्तों कोलियस भी इस समय बहुत सीड्स तैयार करता है, इनके फूलों में ही आप सूखने के बाद सीड्स आपको मिलेंगे और ऐसे तो पूरे साल ही फ्लावर्स खिलते रहते हैं, लेकिन ठंड के बाद ये जो मौसम है इसमें आपको बहुत हेल्दी सीड्स मिल जाते हैं और इन्हीं सीड्स को आप थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी यूज कर सकते हैं इनको नया कोलियस के प्लांट्स तैयार करने के। दोस्तों अगला जो पौधा है ये है अपराजिता। ऐसे तो ये पूरे साल भर ही खिलता है और सीड्स तैयार करते रहती है, तो इन सीड्स को आप अभी भी लगा सकते हैं, इनको सेव करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट। इसमें भी कई कलर्स आपको मिलते हैं और ये देखिए ये भर के फ्लावरिंग करता है, सीड स्पॉट तैयार करता है और सीड पॉट के अंदर 2 से 3 सीड आपको मिलते हैं और इनके सीड्स को आप इस समय सेव करके रख सकते हैं। ठंड में ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है, आगे जो आने वाली ठंड है उसमें यूज कर सकते हैं, अभी भी आप इसके सीड्स को लगा सकते हैं, गर्मी में भी ये बहुत अच्छा फ्लावरिंग करता है। दोस्तों आज के वीडियो का ये लास्ट फूल ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन ये सर्दी में भी खिलता है, गर्मी में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, ये है टिकोमा। और टिकोमा में इस समय आपको भर भर के सीड्स मिलेंगे इसके प्लांट्स में और इन सीड्स को आपको सेव करके रखना है फ्रेंड्स, और इस समय आप इन सीड्स को लगा भी सकते हैं। ये देखिए इस तरह सीड्स बनता है, लेकिन ऐसे हरे सीड्स को आपको प्लांट से नहीं तोड़ना है, इसको सूखने देना है। जब ये सीड्स ब्राउन हो जाता है यानी पूरी तरह सूख जाती है तभी इसको पौधे से तोड़ना है और फिर अब इन सीड्स को आप सेव करके भी रख सकते हैं, इस समय भी लगा सकते हैं और बरसात में भी लगा सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जो फ्रेंड्स इस चैनल में नए हैं वो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और
बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इसी तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।